फास्टिंग डिटॉक्सिफाइज आवर बॉडी एंड प्यूरिफाइज आवर माइंड। हम कुछ फेस्टिवल्स में जैसे कि शिवरात्रि में व्रत रखते हैं, नवरात्रि में व्रत रखते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि लोग नॉर्मल दिन से भी व्रत वाले दिन ज़्यादा खाना खाते हैं। इस दिन बहुत सारे फ्राइड फूड और हैवी चीज़ खाते हैं। फास्टिंग करने का मीनिंग ये है कि हम अपना डाइजेशन सिस्टम को उस दिन थोड़ा रेस्ट देना चाहते हैं ताकि हमारा डाइजेशन पावर और भी स्ट्रॉन्ग बन जाए। इस दिन हमें बहुत ही हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो बहुत ही लाइटली बनाना चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऐसे ही मैं कुछ लो कैलोरी फास्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ, जैसे कि साबूदाना वड़ा। यहाँ पे साबूदाना वड़ा को मैंने फ्राई नहीं किया है, इसे रोस्ट किया है। नेक्स्ट, साबूदाना खीर कैरमलाइज्ड, बट ये हल्का सा मीठा है। नेक्स्ट, पपैया हलवा, जो कि आइस के लिए और डाइजेशन पावर के लिए अच्छा है। एंड लास्ट वन इज पम्पकिन सूप। फास्टिंग के दिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसे बहुत ही लेस अमाउंट में खाना है। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए 100 ग्राम साबूदाना को पहले 2 घंटे के लिए भिगो के रखना है। आलू उबल कर रखिए। पीनट को जीरा और लाल मिर्च के साथ रोस्ट कीजिए और ग्राइंड करके एक पाउडर बना लीजिए। अभी एक बड़े बर्तन में आलू स्मैश कीजिए, उसमें हरी धनिया और हरी मिर्ची मिलाइए, साबूदाना ऐड कीजिए, इसमें रॉक सॉल्ट ऐड कीजिए। हमने पहले जो जीरा, पीनट और चिली का जो पाउडर बनाया था वो अभी मिक्सचर में ऐड कीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिलाना है। पानी से हथेली गीला कर लीजिए और इक्वल साइज बॉल बनाइए। अपम मेकर को पहले से प्रीहीट कीजिए और उसे हल्का सा तेल लगाकर ग्रीस कर लीजिए। अभी इसमें बॉल डाल दीजिए। बॉल्स रखने के बाद इसे कवर कर दीजिए। अगर घर पे अपम मेकर नहीं है तो आप कोई भी नॉनस्टिक पैन में भी टिक्की के तरफ इसे सेक सकते हैं। देखिए, ये ऑल साइड से ब्राउन हो गया है, मतलब ये रेडी हो गया है। फास्टिंग के दिन इसे एंजॉय ज़रूर कीजिए, पर क्वांटिटी का ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज साबूदाना खीर। खीर बनाने के लिए हमें चाहिए साबूदाना 25 ग्राम, गाय का दूध 100 ml, चीनी या गुड़ 1 चम्मच और 1 इलायची। साबूदाना को पहले 1 घंटे के लिए सोक करके रखना है। अभी कैरमल बनाने के लिए हमें पैन में थोड़ा सा घी डालना है और थोड़ा सा चीनी ऐड करना है। जब चीनी लिक्विड हो जाएगा और उसमें ब्राउन कलर आ जाएगा तो हमें उसमें दूध ऐड करना है। दूध हल्का सा उबल जाए उसमें साबूदाना ऐड करना है, चीनी ऐड करना है और इलायची पाउडर ऐड करना है। बीच बीच में इसे स्टर करना है और ठीक होने के लिए वेट करना है। साबूदाना खीर रेडी हो गया है, इसे गर्म या ठंडा सर्व कीजिए। साबूदाना में स्टार्च ज़्यादा है, इसलिए क्वांटिटी का ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज पपैया हलवा। पपैया हलवा बनाने के लिए राइप पपैया को छोटे छोटे पीसेस में काटना है और उसे गर्म पानी में उबालना है, 2 व्हिसल के लिए वेट करना है। पैन गरम कीजिए, उसमें पपैया, चीनी और घी मिलाइए। अभी मिक्सचर में इलायची पाउडर ऐड कीजिए और कुक कीजिए। पपैया हलवा इज रेडी। इसे ठंडा या गरम सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पम्पकिन सूप। पम्पकिन सूप बनाने के लिए 100 ग्राम पम्पकिन को पील करके छोटे छोटे पीसेस में काटना है। 15 से 20 पीनट
एक लाल मिर्ची और एक चम्मच जीरा को ड्राई रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर बनाना है। उबले हुए पानी में रॉक सॉल्ट, हल्दी और पम्पकिन का पीसेस डाल दीजिए। कवर कर दीजिए और हमें एक विसल के लिए वेट करना है। पम्पकिन ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में डालिए और उसमें पीनट का पाउडर मिला दीजिए और अच्छे से ब्लेंड कीजिए और फिर उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और ये अभी सर्विंग के लिए रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।